फाइनली हम लोग की रेसिपी तैयार हो चुकी है, अब हम एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी किचन। तो आज की रेसिपी है, हम बनाएंगे खीर। सो हम नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिया है एक भगोना, हम इसमें डालेंगे दूध, ऑलमोस्ट ये 3 लीटर के करीब दूध है। आपकी मर्ज़ी से अगर आप पानी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर पानी ऐड नहीं किया है। ये फुल फैट मिल्क है, आप इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लें, 1-2 से 3 उबाल इसको आने दे। और एक बात ध्यान रखिए कि आप कंटिन्यूस इसको हिलाते रहिए, वरना ऐसे नहीं हो कि नीचे दाग लग जाए तो खीर का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसको कंटिन्यूस आप हिलाते रहिए, थोड़ा पेशेंस रख के आप तवज्जे आपकी डिश पे दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। दूध को हमको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है, बट हाँ इतना है कि हमको 2 से 3 उबाल आने तक एटलीस्ट 1/2 आवर तो दूध पकना चाहिए। मैं इजी मेथड में बता रही हूँ आपको। मैं ये देखिए दूध में से हमारे भाप निकल रही है, दूध आप कोई भी ले सकते हैं, फुल फैट मिल्क या टेट्रा पैक का, ये आपके ऊपर की बात है। और यहाँ मैंने लिया है, मेरे 2 मुट्ठी के उतना बासमती चावल मैंने लिया था, उसको सोक करके रखा था ओवरनाइट, फिर मैंने उसका बारीक सा पेस्ट बना लिया कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, ध्यान रखिए कि बासमती चावल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस होकर आएगा। चावल डालते वक्त आप ध्यान रखें कि देखिए एक हाथ से मैं डाल रही हूँ चावल और दूसरे हाथ से मैं हिला रही हूँ, क्योंकि नीचे जाकर अगर वो बैठ जाएगा तो दाग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, फिर आपकी खीर ख़राब हो सकती है। तो जब भी कोई भी चीज़ डालें आप तो एक हाथ से हिलाते रहिए और दूसरे हाथ से आप डालते रहें। अब जब हम चावल डाल दिए तो दाग लग सकता है, तो आप ध्यान रखें आप कंटिन्यूस खीर हो, ये बहुत मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत जल्दी टेस्ट इसका मालूम पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है जैसे, तो बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है ऐसी चीज़ें बनाते वक्त। हम इसको कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे, चावल डालने के बाद हमको इतना पकाना है कि जो हमने चावल डाला था वो बिल्कुल मतलब कि सॉफ्ट हो जाए, को बारीक बारीक से दाने नज़र आएंगे। तब तक हमको एटलीस्ट 15 मिनट्स आप पका लें दूध में तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ मैंने लिया है 1/2 kg खोआ, तो यहाँ पर हम डालेंगे खोआ, क्योंकि 3 लीटर है तो 1/2 kg इसलिए मैंने लिया है। खीर थोड़ी गाढ़ी बने तो ज़्यादा अच्छी रहती, बट होता क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको मतलब कि मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे, उसके बाद ही इसको रिज़ल्ट आता है। हमने चावल भी डाल दिया, खोआ भी डाल दिया है, हम इसको अच्छी तरीके से मतलब पका लेंगे। मैंने शुगर अभी बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि जब खीर बनती है तो मतलब एक्सेस मीठा ना हो जाए, इस वजह से मैंने लास्ट में डाला था चीनी शक्कर। यहाँ पर मैं 1 पैक जो अपना कंडेंस्ड मिल्क आता है, चाहे जो भी हो आपके पास आप वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल बहुत ही रिच
टाइप में अपनी खीर तैयार हो रही है। खोआ हमने डाला, बासमती राइस एंड कंडेंस्ड मिल्क, तो बहुत रिच फॉर्म में तैयार हो रही है। यहाँ हम डालेंगे ऑलमोस्ट इलायची पाउडर, ये हाफ टी स्पून है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बोर्ड पर नहीं डाला कि इलायची पाउडर, उसमें आप 10 से 12 इलायची ले ले और हाफ टी स्पून डाल ले। इसको अच्छी तरीके से हम पकने देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 10 से 15 ये बादाम है, इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। मैं इसका जो ऊपर का छिलका है वो नहीं निकालती हूँ, मैं वैसे ही कट करके मैं सिर्फ गार्निशिंग के टाइम पे डालती हूँ, खीर में मैं भी नहीं डालूँगी। ये आपके ऊपर का ऑप्शन है कि अगर आप डालना चाहो तो आप डाल भी सकते हैं, अगर नहीं तो। वैसे मैं बता दूं आप लोग को, ये रात के 3:30 बज रहे थे जब मैं ये खीर बना रही थी, क्योंकि हम लोग दिन में, मेरे को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था उस दिन इसके लिए। देखिए दूध कितनी अच्छी तरीके से इसमें बनाई आ गई, ऊपर देखिए कितना मतलब थिकनेस आ गई। अगर आप चाहो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला है, ये आपका ऑप्शन है। वर्कलोड ज़्यादा होने की तरफ से मेरे को रात में लेकर पकाना बनाना पड़ा मेरे को खीर। उसको अच्छी तरीके से देखिए, जब इस तरीके इस मोमेंट पे जब अपना डिश तैयार हो जाए तो हम डालेंगे इसमें, ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है बट चीनी नहीं पड़ी इसमें, अब हम डालेंगे चीनी। ये भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, अराउंड 250 ग्राम्स मैंने डाला है। आपके अंदाजे से आप कोई भी चीज़ डालें, आपको मतलब इतना आइडिया होना चाहिए कि चीज़ ख़राब ना हो। कभी कभी थोड़ा सा मतलब होता क्या है, जैसे कि चीनी हो गई, नमक हो गया, ऐसे कोई भी डिशेस में कम ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर टेस्ट बिगड़ जाता है। उसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। अब हमारी डिश हो गई है रेडी। ये देखिए कैसी मोटी मोटी सी मलाई आ गई है ऊपर। हमारी डिश हो गई है रेडी और दूध का कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, ये देखिए। तो खीर हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अब हम इसको करते हैं गार्निश। यहाँ पर जो मैंने बादाम बताया था उसको मैंने कट करके इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिया है, और कुछ जो सैफ्रन की जो स्टिक्स है ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिए वरना नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।